अ कैपेसिटर कंसिस्ट्स ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स विद एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 0.001 मीटर स्क्वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.0001 मीटर। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट वेरीज एट रेट ऑफ 10^8 वोल्ट पर सेकेंड, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेंट थ्रू द कैपेसिटर। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे बात करें कि एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स का एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर है और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, मतलब ये उसका एरिया दिया है बच्चों और उनके बीच की डिस्टेंस भी हमको दिया है, ये दिया है 0.0001 मीटर। ठीक है, इसका एरिया हमको गिवन है 0.01 मीटर स्क्वायर। हमसे कह रहे हैं बच्चों कि हमको बतानी है डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी फ्लो होती है जबकि वोल्टेज इस रेट से चेंज हो रहा है। बच्चों, वोल्टेज अगर इनकी प्लेट्स पे चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होगी, और जब किसी कैपेसिटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होती है जिस समय इनकी प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चेंज हो रही होती है, उस समय बच्चों कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके बीच एक करंट फ्लो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला क्या है ये बच्चों लिखने से पहले हम आपसे कहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला लिखते हैं बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला क्या होता है बताऊं, ये होता है एप्सिलॉन 0 डी फाई अपान डी टी। क्या होता है एप्सिलॉन 0 डी फाई अपान डी टी, जहां पर एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, तो आई डी का वैल्यू कितना आएगा बताओ जरा, यहाँ पे एप्सिलॉन 0, ठीक है, डी फाई अपॉन डी टी। फाई क्या होता है, फाई होता है बच्चों फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है, अब बच्चों फाई बराबर क्या आएगा ई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस होता है, बिल्कुल पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो वी अपॉन डी इंटू ए। तो मैं फाई की वैल्यू ये यहाँ पे रख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। तो d बाई डी टी ऑफ फाई, फाई की वैल्यू क्या आ गई, वी ए अपान डी। ठीक है, ये आ गई, तो यहां से आई डी की वैल्यू क्या आएगी बताओ। तो बेटा यहां पे देखो a और d ये दोनों चीजें तो फिक्स हैं, केवल वेरी कौन कर रहा है v, तो v को अंदर रखेंगे डिफरेंशिएशन, बाकी सब बाहर चले जाएंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन 0 a अपान डी इंटू डी वी अपान डी टी, इंटू कितना बचेगा डी वी अपान डी टी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो कितना आएगा बताओ, ये आएगा एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या है भाई, ये तो फिक्स होती है 8.85 इंटू 10^-12। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, बिल्कुल, इंटू ए, ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू है 0.001 अपान डी, डी की वैल्यू क्या है 0.0001 इंटू डी वी अपान डी टी। डी वी अपान डी टी कितना है बेटा, 10^-8। सॉल्व कर लो, सोचो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.001 को इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10^-3। देखो पॉइंट को 3 अंक की दर ले जाओगे तो 10^-3, इसको क्या लिख सकते हैं 10^-4, इसको लिखेंगे 10^-3, इसको लिखेंगे 10^-4, अभी आगे चल के लिखेंगे, अभी हम यहाँ समझा रहे हैं केवल। ठीक है, अब फटाफट वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, तो आई डी कितनी आएगी जरा बताओ, आई डी इज इक्वल टू आएगा बच्चों 8.85 इंटू 10^, देखो +8 और -12 ये दोनों पहले ऐड होंगे, तो क्या बचेगा 10^-4, क्योंकि -12 + 8 तो कितना बचेगा -4, 10^-4, अच्छा इंटू 0.001, इसकी वैल्यू क्या आएगी 10^-3, बिल्कुल यहाँ रख देते हैं 10^-3 अपान में 0.0001, तो ये क्या बचेगा 10^-4 का -4, ये नीचे आ गया -4, अच्छा अब इसको जरा और सॉल्व करो बच्चों, तो ये देखो कटेंगे तो क्या बचेगा, ये आई डी की वैल्यू यहाँ पे बचेगी बच्चों 8.85 इंटू 10^-3 एम्पियर, और आई डी इज इक्वल टू 8.85 मिली एम्पियर,
अगर मिली एम्पियर में लिखना हो तुम क्या लिख सकते हैं 8.85। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी वो क्या होगी 8.85 मिली एम्पियर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।